हेलो एवरीवन वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन दिस इज़ अंकिता सूद एंड आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेटा कम्युनिकेशंस एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स में ए एंड आर से रिलेटेड फाइव मोस्ट इम्पॉटेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सो इन फाइव क्वेश्चंस की हेल्प से हम लोग देखेंगे ए एंड आर का बेसिक इंट्रोडक्शन इसका आर्किटेक्चर एंड इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से कंप्यूटर नेटवर्क में ये दोनों प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं तो इस वीडियो के बाद आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एंड ये चेक करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्री इवेल्युएशन टेस्ट सो इस टेस्ट को एक्सेस करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाकर हमारे ऐप ग्लोबल ऑनलाइन को डाउनलोड करना होगा यहाँ पे आप इस ऐप का ऑफिशियल लोगो देख सकते हो एंड इसके साथ ही इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगी ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी यू जी सी नेट कंप्यूटर साइंस एंड देन कंटेंट सेक्शन पे जा करके आपको यहाँ पे यूनिट सेलेक्ट करनी है कंप्यूटर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन इसके बाद यहाँ पे इजीली टेस्ट फोल्डर में जा करके आप लोग इन इन इवेल्युएशन टेस्ट को बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हो सो so, हर वेन्सडे एंड सैटरडे इवनिंग मैं इवेलुएशन टेस्ट आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ ऐप में एंड इस यूनिट का हमारा टेस्ट कोर्ड रहेगा एन थ्री ये कोर्स भी ऐप में आप लोगों को मिल जाएंगे सो दैट आप लोग टॉपिक वाइज इजीली टेस्ट को अटेम्प्ट कर सको इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि यू जी सी ट्वेंटी का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है एंड इस बैच की स्पेशलिटी ये है कि हम सिर्फ नाइन्टी डेज में पेपर वन एंड पेपर टू का कम्पलीट कोर्स आपको कवर कराएंगे जिसमें हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड थ्योरी लेक्चर्स की हेल्प से सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर कराएंगे एंड पेपर टू कंप्यूटर साइंस में हम आपको देते हैं फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स विद पॉइंट टू पॉइंट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड शॉर्ट ट्रिक्स नोट्स दिस सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ पी डी एफ एंड महामैराथन जो कि हर एक यूनिट के लिए सेपरेट आपको हम प्रोवाइड कराएंगे सो पेपर टू कंप्यूटर साइंस के साथ एक गुड न्यूज़ ये है आप लोगों के लिए कि पेपर वन का कंप्लीट स्टडी मटेरियल हमारे ऐप आप में आपको बिल्कुल फ्री हम प्रोवाइड कराते हैं एंड इसकी वैलिडिटी रहेगी वन ईयर सो अभी ऑफर चल रहा है अगर आप लोग इसका कुछ दिनों में ही सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मिलेगा ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट यानी कि आपको पे करना होगा सिर्फ थ्री ट्रिपल नाइन फॉर पेपर वन एंड पेपर टू एंड वन ईयर के लिए ठीक है so, सो ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो तो so, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ ए आर पी मैसेज फॉरमैट तो जैसे कि हमारा आज का मेन टॉपिक है ए आर पी एंड आर ए आर पी तो सबसे पहले आप लोगों को इनकी फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए ठीक है ए आर पी का मतलब होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल सो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल में मैसेज किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं ठीक है थीके? कौन से प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है तो उस फॉर्मेट के कौन कौन से पार्ट्स अवेलेबल हैं इस सेटअप में इस प्रोटोकॉल में वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है तो पहला ऑप्शन दिया गया है हार्डवेयर टाइप दूसरा दिया गया है सेंडर हार्डवेयर एड्रेस तीसरा दिया है ऑप कोड एंड लास्ट दिया गया है सेंडर प्रोटोकॉल एड्रेस तो यहाँ पे कुछ कोड्स गिवन है आपको इन्हीं के बेसिस पे आंसर सेलेक्ट करना है तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ए मैसेज फॉर्मेट एग्जैक्टली होता क्या है एंड उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं ठीक है सो so इस बेसिक से स्ट्रक्चर को आप लोगों ने याद रख लेना है इसमें होते हैं हमारे पास हार्डवेयर के टाइप्स प्रोटोकॉल के टाइप्स प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स हार्डवेयर एड्रेस की जो लेंथ होती है एंड प्रोटोकॉल एड्रेस की जो लेंथ होती है ये दोनों सब पार्ट्स होते हैं हार्डवेयर टाइप के ठीक है एंड प्रोटोकॉल टाइप में हम लोग सिर्फ ओप ऑप कोड को ही स्टोर करते हैं इसके साथ ही यहाँ पे सेंडर का हार्डवेयर एड्रेस भी ज़रूरी है एंड सेंडर का प्रोटोकॉल एड्रेस भी जरूरी है एंड सेंडर के प्रोटोकॉल एड्रेस को यहाँ पे देख सकते हो कि दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया है पहला है थ्री टू फोर बाइट्स का जहाँ से सेंडर जो है मैसेज भेजेगा एंड दूसरा है जहाँ पे सेंडर को अगर कोई रिप्लाई आता है उसका साइज है वन टू टू बाइट्स ठीक है एंड इसके साथ ही टारगेट हार्डवेयर एड्रेस यानी कि जो हमारा डेस्टिनेशन है जो भी हमारा रिसीवर होगा उसके हार्डवेयर का एड्रेस क्या है दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मैसेज फॉर्मेट एंड इसके साथ ही एक लास्ट टाइप होता है हमारे पास टारगेट प्रोटोकॉल एड्रेस तो इस तरह से यहाँ पे ए आर पी मैसेज फॉर्मेट को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है तो डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हमारे पास हार्डवेयर टाइप यहाँ पे है ठीक है ऑप्शन नंबर टू सेंडर हार्डवेयर एड्रेस तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है नेक्स्ट है कोड वो भी यहाँ पे है एंड लास्ट ऑप्शन है सेंडर के प्रोटोकॉल का एड्रेस तो यहाँ पे सेंडर के प्रोटोकॉल का एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन किया गया है सो अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर वन का हमारा राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ ए आर पी सो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के कौन कौन से फंक्शन होते हैं तो so, पहला ऑप्शन बोलता है इट इज यूज टू मैप थर्टी टू बिट का आईपी एड्रेस इसके साथ अगर हमें मैप करना होगा फोर्टी एट बिट के इथरनेट एड्रेस को तो क्या ये ए का फंक्शन होता है दूसरे ऑप्शन में बोला गया है कि ये मैप करता है फोर्टी एट बिट के इथरनेट को किसके साथ थर्टी टू बिट के आई एड्रेस के, के साथ एड्रेस के साथ ठीक है तो यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस में आप लोग देखोगे कि सिर्फ हमने क्या किया है थर्टी टू बिट आईपी पी एंड यहाँ पे भी है थर्टी टू बिट आईपी तो दोनों चीजों में डिफरेंस है यहां पे बोला गया है फर्स्ट ऑप्शन में कि 32 बिट से हम मैप करते हैं 48 बिट के इथरनेट को लेकिन यहां पे बोला गया है कि 48 बिट के इथरनेट से हम मैप करते हैं 32 बिट के आईपी एड्रेस को तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं है ऑप्शन नंबर थ्री में हमें बोला गया है कि यहां पे हम थर्टी बिट के इथरनेट से मैप करेंगे फोर्टी बिट के आईपी एड्रेस को एंड फोर्थ ऑप्शन में बोला गया है कि 48 बिट के आईपी एड्रेस से हम लोग मैप करेंगे 32 बिट के इथरनेट को तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है अगर आप लोगों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो मे भी आप लोगों को ऑप्शंस देख के थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग सकता है लेकिन आप लोग देखोगे कि बस इन्होंने यही ऑप्शन थोड़े से घुमा करके पूछे हैं ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ए क्या होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल So, हमारे जो मोस्ट ऑफ़ दी कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं या एप्लीकेशन होती हैं ठीक है हम सभी को पता है कि एप्लीकेशन या प्रोग्राम्स होते हैं उसमें हम लोग लॉजिकल एड्रेस को स्टोर करते हैं उसको यूज़ करते हैं यानी कि लॉजिकल एड्रेस होते हैं हमारे पास आई पी ठीक है तो ज़्यादातर उनको उन्हीं को यूज़ करते हैं किस लिए यूज़ किए जाते हैं टू सेंड एंड रिसीव द मैसेजेस लेकिन जो एक्चुअल कम्युनिकेशन होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वो लॉजिकल एड्रेस के थ्रू नहीं होता है वो होता है तो मतलब होता है है फिजिकल फिजिकल एड्रेस एड्रेस के थ्रू तो का मतलब मैक एड्रेस के थ्रू ठीक है मैक एड्रेस क्या होता है ओ मॉडल की जो लेयर नंबर टू है वो करती है यूज मैक एड्रेस को तो एआरपी का मिशन क्या होता है इसका मिशन होता है कि जो डेस्टिनेशन का जो डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस है विच हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग विद अदर डिवाइसेस तो इसके लिए हम लोग मैक एड्रेस को ही यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आता है हमारे पास ए कंप्यूटर नेटवर्किंग में ठीक है एंड इसकी जो फंक्शनैलिटीज होती है जो कि आई एड्रेस को ए की मेजर फंक्शनैलिटी ये होती है कि आई एड्रेस को मैक एड्रेस में ट्रांसलेट कर सकती है ठीक है मैक एड्रेस में ट्रांसलेट कर सकती है तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ए को यूज़ करते हैं अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ आप लोगों को तो आईपी एंड यहाँ पे मैक तो आईपी को अगर मैक में कन्वर्ट करना है यानी कि लॉजिकल एड्रेस को अगर फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना है तो बीच में एआरपी आता है ठीक है ये क्या है ये एक प्रोटोकॉल है जो कि नेटवर्क लेयर ओएसआई मॉडल की नेटवर्क लेयर में काम करता है ठीक है एआरपी फाइंड्स द हार्डवेयर एड्रेस जिसको कि हम लोग मैक एड्रेस भी बोलते हैं किसका होस्ट का जिसको कि हम लोग आई एड्रेस भी बोलते हैं ठीक है इसके अलावा एआरपी में आप लोगों को टाइप्स भी इसके पता होने चाहिए सिंपल मैं नेम बता देती हूँ ज्यादा डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जाएंगे तो एआरपी में आता है हमारे पास सबसे पहले प्रॉक्सी ए आर पी ठीक है दूसरा आता है ग्रेटुएट ए आर पी ठीक है थर्ड आता है हमारे पास रिवर्स ए आर पी दैट जिसको कि हम सिंपली आर ए आर पी भी बोलते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं ठीक है नेक्स्ट आता है हमारे पास इन वर्स ए आर पी तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ए आर पी इंपॉर्टेंट है एंड आर ए आर पी इंपॉर्टेंट है तो so, यह था ए आर पी का कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन तो अब यहां पर देखते हैं कि हमारा राइट right आंसर क्या है हमारा राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर वन यानी कि ए आर पी में हम लोग थर्टी टू बिट के आई पी एड्रेस को मैप करते हैं फोर्टी एट बिट के इथरनेट एड्रेस के साथ ठीक so, है तो हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है विच ऑफ़ द फॉलोइंग इथरनेट ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज इन ए आर पी एंड आर ए आर पी रिक्वेस्ट तो कौन सा यहाँ पे इथरनेट ब्रॉडकास्ट एड्रेस है हमारे पास चार एड्रेस दिए हैं तो आप लोगों को पहचान होनी चाहिए कि इनमें से कौन सा एड्रेस आई पी एड्रेस है ठीक है कौन सा एड्रेस हमारे पास इथरनेट ब्रॉडकास्ट एड्रेस है तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं तो इधर अगर हम लोग देखें ऑप्शन नंबर वन टू फिफ्टी फाइव पीरियड के साथ हमने इसको सेपरेट किया है ठीक है सो ऑप्शन नंबर वन जो है ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स अ नेट मास्क ठीक है ये नेट मास्क को रिप्रेजेंट करता है नेट मास्क क्या होता है ये चीजें हम लोग बहुत बार प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं एंड जो हमारा ऑप्शन नंबर टू है ऑप्शन नंबर टू भी इनकरेक्ट है बिकॉज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्पेसिफिक इथरनेट एड्रेस दैट वुड आइडेंटिफाई अ सिंगल इंटरफेस एक ऐसा इथरनेट एड्रेस है ये जो कि एक सिंगल इंटरफ़ेस को ही करता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है की ब्रॉडकास्ट की ठीक है लास्ट ऑप्शन आता है टू फोर्टी फोर डॉट टू जीरो डॉट जीरो ऑप्शन नंबर फोर जो है ये भी हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन है बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स एन आईपी एड्रेस यूज फॉर मल्टीकास्ट मैसेजेस तो so, मल्टीकास्ट के लिए जो आईपी एड्रेसेस यूज होते हैं कंप्यूटर में वहां पे ये उसका एक एग्जांपल है तो अब बात करते हैं हमारे पास थर्ड ऑप्शन है ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन है क्यों करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ये एक इथरनेट ब्रॉडकास्ट एड्रेस है यूज इन ए एंड आर रिक्वेस्ट ठीक है सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थ्री राइट आंसर है एआरपी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आरएआरपी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटोकॉल दैट अलाउ अ क्लाइंट एक क्लाइंट को अलाउ करता है टू सेंड अ ब्रॉडकास्ट मैसेज विद इट्स मैक एड्रेस तो एक क्लाइंट है वो बहुत सारे सिस्टम्स में मैसेजेस भेज रहा है लेकिन वो किसके थ्रू भेज रहा है अपने मैक एड्रेस के थ्रू भेज रहा है एंड जो भी रिसीव कर रहे हैं मैसेजेस को ठीक है एंड रिसीव एन आई पी एड्रेस इन रिप्लाई ठीक है एंड जो भी इनको फीडबैक दे रही है सिस्टम्स ये आई पी एड्रेस को यूज कर रहे हैं तो ये प्रोसेस कौन सा है क्या ये ए आर पी है क्या ये डी एन एस है क्या ये आर ए आर पी है या फिर आई सी एम पी है ठीक है तो ए आर पी होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल डोमेन नेम सिस्टम ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ठीक है डोमेन नेम सिस्टम आई होप आप लोगों को पता होगा कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स हो आईसीएम पी जो है ये ई मेल से रिलेटेड प्रोटोकॉल है सो लास्ट ऑप्शन आता है हमारे पास आर ए आर पी दट इज ऑप्शन नंबर थ्री हेयर इज द राइट आंसर सो रिजर्व सॉरी रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ठीक है सो इट इज अ प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन कम्प्यूटर नेटवर्किंग विच इज इम्प्लॉयड बाई द क्लाइंट कंप्यूटर टू रिक्वेस्ट इट्स आई पी एड्रेस फ्रॉम अ गेट वे सर्वर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल टेबल और कैश ए सो द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है इसमें वो एक टेबल क्रिएट करता है गेट वे राउटर पे जिसमें कि वो मैप करते हैं आईपी एड्रेस जिसमें वो मैप करते हैं मैक एड्रेसेस को एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग आई एड्रेसेस को ठीक है सो अब यहाँ पे आप लोगों को एक बात ये भी पता होनी चाहिए कि ये वाले जो प्रोटोकॉल्स होते हैं ये डेटा अगर हमें सर्वर्स के बीच में टू पॉइंट सर्वर्स के बीच में कम्युनिकेशन करवाना होगा डेटा का तो वहाँ पे आर का यूज किया जाता है ठीक है एंड आर ए आर पी लिमिट्स टू सर्विंग ऑफ आई पी ओनली इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आर ए आर पी एंड ए आर पी के बीच में क्या डिफरेंस होता है फुल फॉर्म तो दोनों की आपको पता है इसमें रिवर्स है यानी कि ए आर पी का बिल्कुल उल्टा काम करता है ठीक है इन आर ए आर पी वी फाइंड आर ओन आई पी एड्रेस हम अपने आई पी एड्रेस को ढूंढ सकते हैं

आर ए आर पी में मैक एड्रेस हमें पता होता है एंड आई पी एड्रेस के लिए हम लोग क्या करते हैं रिक्वेस्ट करते हैं एंड इन केस ऑफ ए आर पी इसमें हमारे पास आई पी एड्रेस ऑलरेडी होता है एंड मैक एड्रेस के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर को या फिर रिमोट मशीन को ठीक है so, सो इसके अलावा आर ए आर पी का एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यह भी है कि इट इज़ यूज टू कन्वर्ट द इथरनेट एड्रेस बल फ लैंड टेक्नोलॉजी लाइक टोकन रिंग और लैंड है आर पी तो ये आई होप आप लोगों ने पॉइंट नोट कर लिए होंगे क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ आर ए आर पी सो so, जैसे हमने ए आर पी के फंक्शन देखे थे सिमिलर ऑप्शन यहाँ पे गिवन है एंड पूछा गया है आर ए आर पी के बारे में so, यहाँ भी हमारा राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री यानी कि इसमें क्या करते हैं हम लोग इसमें हम लोग थर्टी टू बिट इथरनेट को यूज करते हैं फोर्टी एट बिट के आई पी एड्रेस को मैप करने के लिए ठीक है सो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है एंड अगर हम लोग आर ए आर पी की बात करें तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था उसमें हमने देखा था कि 32 बिट का आईपी एड्रेस यूज होता है किसको मैप करने के लिए 48 बिट के इथरनेट को यूज करने के लिए तो इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप लोग साथ में देख सकते हो एंड इन दोनों में डिफरेंस भी देख सकते हो तो ये है आर ए आर पी ठीक है एंड ये है ए आर पी की स्टेटमेंट तो ये क्वेश्चन जो हैं बहुत है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की कैटेगरी में हम इनको काउंट करते हैं सो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गए हैं एंड अगर इनमें किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हो हमारी टीम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगी सो so आज के लिए सिर्फ इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो